नमस्कार, मैं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल रात हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों के बीच खींचतान खुलकर सामने आ गई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के बीच रेवेन्यू महकमे के काम पेंडिंग होने को लेकर जमकर नोकझोंक हो गई। हरीश चौधरी चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। डोटासरा ने प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को निशाने पर लिया तो हरीश चौधरी ने भी जवाब दिया। डोटासरा ने बैठक में कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान सबसे ज्यादा पेंडिंग काम राजस्व मामलों के हैं। राजस्व मंत्री चंडीगढ़ जाकर बैठ गए हैं, हम किससे जाकर कहें। तहसीलदारों की पोस्ट खाली है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के अधिकार दिए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं दिए गए। डोटासरा ने जोहड़ की जमीन का मामला भी उठाया। डोटासरा के हमलावर होने पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने पलटवार करते हुए जवाब दिया कि आप काम बताइए, मैं चंडीगढ़ में बैठे बैठे ही सब करवा दूंगा, फिर भी ज्यादा जरूरी हुआ तो मैं जयपुर आ जाऊंगा आपके पास। चंडीगढ़ रहूं या जयपुर, काम पर इसका फर्क नहीं पड़ता। इस पर डोटासरा ने पलटवार करते हुए यहां तक कह दिया कि आप धौंस मत दिखाया करो। इस नोकझोंक के बीच मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। मंत्री लालचंद कटारिया और रघु शर्मा ने भी पेंडिंग कामों पर सवाल उठाए। इस बीच कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और रघु शर्मा ने भी एक एक करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित पेंडिंग कामों का मामला उठा दिया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि ग्राम दानी गांवों में पट्टे नहीं दिए जा सकते, उनमें नियम आड़े आ रहे हैं। रेवेन्यू नियमों में बदलाव किए बिना ग्रामदानी गांवों के लोग परेशान हैं। यह काम अब नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। इस अड़चन को अब तक दूर नहीं किया जबकि अभियान शुरू हो चुका है। अभियान शुरू होने से पहले नियमों में बदलाव करना था। रघु शर्मा ने बीसलपुर विस्थापितों के मामले में फैसला हो पाने के बावजूद अब तक आदेश नहीं उठाने पर आपत्ति जताई है। डोटासरा और हरीश चौधरी के बीच मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए विवाद की असली जड़ रेवेन्यू के मामलों की पेंडेंसी के अलावा सियासी वर्चस्व की लड़ाई को भी माना जा रहा है। हरीश चौधरी पहले प्रदेशाध्यक्ष पद के दावेदार थे, अब उन्हें पंजाब का प्रभारी बना दिया है। प्रदेश प्रभारी का कद प्रदेशाध्यक्ष से ऊपर माना जाता है। सियासी ईगो वॉर कल कैबिनेट की बैठक में खुलकर सामने आ गई। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।